गाइस बैक टू चैनल द बिटकॉइन बर्नर तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हम बात करने वाले हैं उन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं इस टिप में काफी कमेंट आते हैं कमेंट सेक्शन में पर्सनल डीएम आता है मुझे इंस्टाग्राम में और अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मेरे को एडमिन में भी पर्सनल मैसेज आते हैं काफ़ी सब्सक्राइबर्स के कि भाई हम बिगनर्स हैं वो अगर हम करनी है तो कौन से ऑर्सकॉन्स हैं जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना देता हूँ कि अगर मैं एक बिगिनर हूँ मेरे पास सौ यू एस डॉलर्स हैं तो मैं उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ ऑर्ट्सॉइन में कैसे उसको डिवाइड कर सकता हूँ होपस आपको वीडियो पसंद आए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट्स में भी तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज हम टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं और एक बात और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो प्लीज गाइज इस वीडियो को फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस के तौर पर बिल्कुल भी लीजिएगा बल्कि इसको एज एन इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के तौर पर लीजिएगा आप सबको पता है अगर प्रॉफिट के फिफ्टी चांस है तो लॉस के भी फिफ्टी चांस हैं नो no डाउट अगर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने रिस्क का टेन टू ट्वेंटी परसेंट परसेंट कम कर लेते हैं तो कौन से प्रोजेक्ट है सब कुछ कवर करने वाला वालों सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ तो प्लीज़ क्या इस वीडियो को यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल एंड तक देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते सबसे पहले ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट देख लेते हैं करंटली 1.23 ट्रिलियन डॉलर चल रहा है वो नाइन परसेंट से मार्केट डाउन चल रही है जिसके कारण मेजोरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी टेन टू 15 परसेंटेंटेंटेंटेंट डाउन चल रहा है जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छा बाय जोन बन जाता है जो मेरी फर्स्ट पिक होने वाली है जो अपने मैं हस्ट हंड्रेड यू एस डॉलर से बाय करने वाला हूँ और जो मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो होने वाली है कार्डेनो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आने वाले टाइम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होने शुरू हो जाएंगे कार्डेनो पे तो ग्रोथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कार्डेनों के करंट प्राइस की मैं बात कर लूँ तो वन डॉलर पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट करंट प्राइस चल रहे टेन पॉइंट टू टू परसेंट से प्राइस डाउन चल रही है अगर मैं बात कर लूँ हंड्रेड डॉलर से मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं थर्टी डॉलर इन्वेस्ट करूंगा कार्डेनो में क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जो सबसे बड़ा रीज़न है कार्डेनो में इन्वेस्ट करने का वो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता पर एक्सपेक्टेशन ये रखी जा रही है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको आराम से ये फाइव डॉलर तक ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाए तो ये फर्स्ट पिक मेरी होने वाली है एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ स्टेबल है मान लीजिए रोनाल्डो ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल से कोका कोला की बोतल हटा दी थी जिसके कारण उनके शेयर्स में डाउन आया था उनको फाइव बिलियन का नुकसान हुआ था पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण उससे फिर से स्टेबिलिटी हासिल कर ली थी सेम केस है कार्डानो के साथ फंडामेंटली स्ट्रांग है अगर मैं बात करूँ आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है ब्राइट फ्यूचर है प्लान्स इनके अच्छे हैं और कम्युनिटी बैकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसके कारण मैं अपने फर्स्ट हंड्रेड डॉलर थर्टी यू एस डॉलर कार्डेनो के में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा अगली जो मेरी पिक है वो होने वाली है मेटिक कॉइन बहुत ज्यादा स्केलिंग सोल्यूशन है आने वाले टाइम में डिमांड रहेगी अगर मैं बात कर लूँ करंट प्राइस की तो वन डॉल पॉइंट जीरो फाइव सेंट्स पर ट्रेड कर रहा है सेवन पॉइंट फोर एट परसेंट से जो प्राइस है वो हमें डाउन देखने को मिल रही है इसका जो ऑल टाइम हाई है वो रहा है टू डॉल पॉइंट सिक्सटी एट सेंट्स और अगर मैं बात करूँ एक स्केलिंग सोल्यूशन होने के कारण आने वाले टाइम में इसकी डिमांड भी रही है और डिमांड रहेगी और हमें एक चीज़ देखने को मिले मल्टीपल पार्टनरशिप इंटीग्रेशन करी है पॉलीगॉन मेटिक ने और जिसके साथ थोड़ी सी हाइप भी जुड़ गई है जिसके कारण एक हाइप भी है और एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होने के कारण मेटिक मेरी सेकेंड पिक होने वाली है और मैं अपने बचे सेवेंटी डॉलर से मैं फिफ्टीन डॉलर पॉलीगॉन मेटिक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा अब बात कर लेते हैं जो मेरी अगली पिक है जो मेरी थर्ड पिक है वो है पैनकेिक स्वैप पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट यहाँ पे uh, प्रोजेक्ट है एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ वर्किंग में ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा करंट प्राइस की बात कर लू तो 12.15 डॉलर्स चल रही है 86.21 परसेंट से प्राइस डाउन चल रही है ऑल टाइम हाई इसका 44.18 डॉलर्स एक्सपेक्टेशंस है कि आपको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पैनकेक स्वयप मिनिमम थर्टी डॉलर तक जाता हुआ नजर आ जाए डिपेंड करता है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है आने वाले टाइम में एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन पैनकेक स्वैप बन जाता है और मैं अपने बचे हुए 55 डॉलर से थर्टीन डॉलर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा यहाँ पे मैं थर्टीन डॉलर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा पैनकेक स्वैप में अगली जो मेरी पिक होने वाली है वो दो हैं बेसिकली आप दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हैं दोनों का रीजन दे देता हूँ आपको पोलका डॉट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितने मैंने प्रोजेक्ट कवर किया सारे फंडामेंटली वैसे स्ट्रांग ही हैं जो अगले उसकी प्राइस देख लेते हैं फोर्टीन डॉलर पॉइंट टू सिक्स एड्स चल रही है सिक्स पॉइंट फोर टू परसेंट से जो प्राइस है वो हमें डाउन देखने को मिल रही है पोलका डॉट किस का और ऑल टाइम हाई है फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स नाइन डॉल्स रहा है एक्सपेक्टेशन है आपको एक। थर्टी फोर्टी डॉलर बाई द एंड ऑफ दिस ईयर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए पर जो उसका ऑल्टरनेटिव अगर आपको काफी लोग मांगते हैं ऑल्टरनेटिव पोलका डॉट का तो सोलाना होने वाला है सोलाना की करंट प्राइस देखूँ तो हमें देखने को मिलती है ट्वेंटी एट डॉलर पॉइंट थर्टी एट सेवन सेवन पॉइंट टू सेवन परसेंट से जो है प्राइस हमें डाउन देखने को मिल रही है अगर मैं बात कर लूँ इन दोनों में से मैं अपने बचे हुए 42 डॉलर से अराउंड 12 डॉलर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा अगर आपको एक शॉर्ट टर्म चाहिए तो कहीं ना कहीं आप सोलाना पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं पर अगर आपको एक स्टेबल चाहिए और आपको एक थोड़ा लॉन्ग टर्म चाहिए तो पोल पोलका पोल डॉट मेरी पर्सनल फेवरेट पिक होने वाली है यहाँ पर तो मैं प्रेफरेंस पोलका डॉट को ही दूंगा फिलहाल ये तो मेरी हो गई फोर्थ पिक अब हम बात कर लेते हैं जो मेरी फिफ्थ फिफ्थ पिक होने वाली है वो होने वाली है थीटा नेटवर्क के दोनों टोकन में से कोई एक थीटा एन थीटा फ्यूल करंटली थीटा की बात करें सिक्स पॉइंट टू सेवन डॉलर पर ट्रेड कर रहा है एट पॉइंट जीरो नाइन परसेंट से जो प्राइस है वो हमें डाउन देखने को मिल रही है थीटा की एक्सपेक्टेशन है आपको शॉर्ट टर्म में भी एट डॉलर एट पॉइंट फाइव डॉलर तक ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए थीटा फ्यूल की बात कर लूँ तो जीरो पॉइंट फोर्टी सेंट चल रहा है एट पॉइंट से प्राइस हमें थीटा फ्यूल की डाउन देखने को मिल रही है और एक्सपेक्टेशन आपको आराम से $44, $45 से ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए और अगर मैं बात कर लू फोर चार दिन दिन में दिन में चार आप देख सकते हैं थीटा मेन थ्री पॉइंट ओगा लॉन्च होने वाला है जिसके कारण आपको प्राइस में कहीं ना कहीं अपस्विंग देखने को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये एक और अच्छी पिक होने वाली है मेरे बचे हुए यहाँ पे थर्टी डॉलर्स जो है उसमें से मैं फिफ्टीन डॉलर्स थीटा या फिर थीटा या फिर थीटा फ्यूल दोनों में से किसी एक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो थीटा फ्यूल में ले सकते हैं अगर आपको एक सेफर हैंड खेलना है तो आप यहाँ पे थीटा पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं जो अगली मेरी पिक होने वाली है वो होने वाली है वी चेन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है नो डाउट एक स्लो मूवर है करंट प्राइस की बात करूँ तो जीरो चल रहा है और अगर मैं बात करूँ थ्री से प्राइस डाउन चल रही है इसका जो ऑल टाइम हाई है वो अराउंड रहा है ट्वेंटी सेवन सेंट्स जिसके कारण ये मेरी पिक होने वाली है पर मैं आपको यहाँ पे बात बोलना चाहूंगा इसका अराउंड जीरो पॉइंट सिक्स सेंट्स के आसपास एक सपोर्ट है अगर वो टूटता आने वाले टाइम में और फाइव सेंट्स के आसपास आपको विजेन मिलते है तो ज्यादा अच्छा बाय यहाँ पे बनता है अगला जो मैं इसका ऑल्टरनेटिव देता हूँ जो बच्चे पंद्रह डॉलर है या तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लो या फिर आप एक साफी में इन्वेस्ट कर सकते हो फंडामेंटली स्ट्रांग है पर एक चीज मैंने इसको इस फ्री एंड में रखा है क्योंकि हमें देखने को मिला जब से एक्सा जब से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन गई है तो तब से जो पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है एक्साप को नो no डाउट इसका जो ऑल टाइम आया वो थ्री डॉलर पॉइंट एट फोर सेंटस रहा है और अगर हम बात करूँ एक्सपेक्टेशन से आराम से केस जीतने के बाद जो ए सी वर्सेज रिपल एक्स दो सूट चल रहा है केस चल रहा है वो जीतने के बाद वो आपको फोर डॉलर से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए नो no डाउट पर मैंने इसको एंड में रखा है इसको मैं इसको मैं रिस्की बोल रहा हूँ तो फिलहाल आप जो लोग बोल बोलेंगे कमेंट सेक्शन में भाई कि हमें क्या और शिवा इन पे करना चाहिए या फिर डोज कॉइन पर आपको मैं बोलना चाहूंगा डोज कॉइन फिर भी आजकल कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा है पर अगर मैं शिबा की बात कर लूँ तो मैं उसको सीधा सुसाइड मानता हूँ क्योंकि कल की एग्जाम्पल देता हूँ कल लॉन मस् ने ट्वीट किया था जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर दिया था आपको मैसेज भी कर दिया था भाई फोम में बाय मत करना उस ट्वीट के बाद सिक्सटीन टू एटीन परसेंट राइज हुआ पर जैसी उसके बाद सेलिंग इतनी ज़्यादा हुई उसकी कि वो फिफ्थ से ट्वेल्व टू थर्टी पर फोर्टीन परसेंट फेड डाउन चला गया तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और जो बिगनर्स हैं उनको मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप मेम बेस्ड में या फिर हाइप्ड कॉइंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करो क्योंकि मेरे को पता है मेजोरिटी ऑफ जो लोग आए हैं जो लोग अभी भी जुड़े हैं ना वो डोज कॉइन को देख के आए हैं वो शी बाइनों के बारे में सुन के आए हैं क्रिप्टो में पर बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स है, है, है गाइज जो मैंने आपके साथ इस शेयर किए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी हैं और आपको एक सेफली अच्छा रिटर्न दे सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ सकता है और आपको मैं एक छोटी सी कलम ने एक वीडियो बनाई थी न्यूज के ऊपर यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कलम ने एक वीडियो डाली थी न्यूज के ऊपर उसमें हमें, हमने आपको बताया कि जो अमेरिका है उसमें जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते हैं क्रिप्टो करेंसी वो डोजकॉन रही है वो थीरियम भी नहीं है बिटकॉइन के बाद डोजकॉइन रही है एक रिसर्च बता दो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा लोगों को सिर्फ डोज़ पता है और ये इतने अच्छे अच्छे जेम्स हैं हिडन जेम्स हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं और मेरा एज एन यूट्यूबर फर्स्ट बनता है मैं अपनी जो कम्युनिटी है उसको इंट्रोड्यूस करूँ इन अच्छे प्रोजेक्ट से होप सो so, आपको वीडियो पसंद आई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट करके आप बता सकते हो आपको जो भी लिखना है कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपका मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलने वाला क्या कमेंट करना है ठीक है जो कमेंट करना है आप कर सकते हो वीडियो कैसे लगी वो जरूर बताना नीचे ठीक है सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना रहा हूँ बीस हजार सब्सक्राइब से सौ सब्सक्राइबर्स हम रह गए हैं तो बीस हजार सब्सक्राइबर से पहुंचा दो बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में बेल आइकन को दबा के ऑल कर दो ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस आती रहे अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो